हथियानी के साथ आप इंसाफ करें, न्याय दें, सम्मान दें, उनके हाथों को रोजगार दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यही तो हमारी चाहते हैं, यही हमारे खतियानी के सपने हैं कि हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार, ताकि उनके घर में खुशहाली आ सके, उनका भविष्य बेहतर हो सके और झारखंड समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सके। यही तो हम चाहते हैं, सारे खतियानी चाहते हैं, आप भी यही कहा करते थे, परंतु आज आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदल गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस तरीके की प्रवृत्ति जो आप में रच बस गई है, जो आप में घुस गई है, जो बाहरी प्रेम की इच्छा जागृत हो गई है, ये तकलीफ दे है। हमारे खतियानियों से द्वेष और बाहरी से प्रेम ये नहीं चलेगी। 60-40 वाले नीति नहीं चलेगी। ये जो आप रघुवर दास वाली नीति लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, 85 वाली नीति, मैट्रिक इंटर वाली नीति, ये सारी चीजें नहीं होंगी। माननीय मुख्यमंत्री, हमने देखा कल के अखबार, आज के अखबारों में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति, किसे नियुक्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय? हमारे यहाँ के खतियानी कैसे आएंगे? नीति आपने बनाई नहीं, 60-40 मिलेंगे क्या? ये 60-40 वाली नीति में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमारा भविष्य खत्म होने की राह पर आगे बढ़ेगा। 40 यदि बाहरी लोग आ जाएंगे, फिर हमारे यहाँ की जो आपकी 60 की पॉलिसी है वो भी परफेक्ट नहीं है। हर व्यक्ति बाहर से आ रहा है, आवासीय और इनकम कास्ट सर्टिफिकेट बना ले रहा है, ऐसे में आप जिससे बैरिकेड डालोगे, कौन सा बैरिकेड का आधार होगा? पता चले कि कुछ ही दिनों में हम अल्पमत में आ जाएंगे, बाहर के लोग ही हमारे झारखंड प्रदेश में अधिक से अधिक रच बस जाएंगे और फिर वो अपना राग अलापेंगे। हम कहाँ जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय? आखिर हमारा अस्तित्व कैसे बचेगा, इसके गुनहगार कौन होंगे? तो पहले नीति बनाइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उसके बाद ही नियुक्ति की बात करिए, तभी हम बेहतर हो सकते हैं, हमारा झारखंड बेहतर हो सकता है। नहीं तो आपकी जो नीतियां हैं, उस नीति में हम डूबने की स्थिति में है। परंतु जब तक हम हैं, जब तक हमारे शरीर में जान है, आपके एक एक गलत नीतियों का विरोध करेंगे, आपकी सरकार का विरोध करेंगे। गलत मनसब पालने वाले, प्रवृत्ति रखने वाले एक एक आपके विधायक और मंत्री का विरोध करेंगे, क्योंकि खतियानी की यही प्रवृत्ति है, जहां गलत होता है वहां खतियानी खड़े होते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।